जून में अगर आप फूलों के बीज लगा रहे हैं तो वो आप बरसाती फूलों के बीज लगाइए, क्योंकि जुलाई से अगस्त में तो बरसात भारत में हर जगह शुरू हो ही जाती है। आप चाहें तो अभी कूचिया या कोचिया भी लगा सकते हैं, बेहद खूबसूरत पौधा है जो बीजों से उगता है। ये सीड कुचिया के हैं। इतना भर बीज ही काफी है बहुत सारे पौधे उगाने के लिए। इसको स्प्रिंकल कर देना है। हम एक भी फूलों का बीज गहरा नहीं लगाएंगे। कोचिया के बीजों से जब पौधे उगाएं तो आपको इन्हें सेपरेट करना पड़ता है, अलग अलग गमलों में लगाना पड़ता है। आप चाहें तो प्लास्टिक के गमले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 8 से 10 इंच का गमला इसके लिए अच्छा होता है, पर्याप्त रहता है, जहां इसकी ग्रोथ हेल्दी होती है। आप अगर इसके पत्तों को देखेंगे तो ये बेहद आकर्षक होता है। ये दूसरे किसी भी पौधे के पत्ते से एकदम अलग धागे जैसी संरचना वाला होता है और यही इसका मेन आकर्षण है। ये पौधा खुद ही टोपियरी का शेप ले लेता है और इसमें आपको कटिंग नहीं करनी पड़ती है। फूल इसमें नहीं आते हैं, पर ये देखने में बहुत ही शानदार लगता है। आप अभी विंका या सदाबहार के भी बीज लगा सकते हैं। विंका 5 से 10 इंच के गमले में बहुत आसानी से चल जाता है। सदाबहार इसलिए भी कहते हैं क्योंकि हर तरह की मिट्टी में और हर सीजन में इसमें फूल आते हैं। आप देख रहे हैं ये पौधा मैंने मात्र 6 इंच के गमले में लगाया हुआ है। इसमें रंगों की बहुत सारी वैरायटी होती है। आपको एक से बढ़कर एक बेहिसाब रंग इन फूलों में मिलेंगे। सफ़ेद, लाल, गुलाबी, पीला और भी कई सारे बैंगनी, काला, हर रंग का फूल आपको इसमें मिल जाएगा। और बहुत मार्केट में अगर आप इसके तैयार पौधे लेते हैं तो वो भी कम कीमत में मिल जाता है, और ऑनलाइन आपको सीड भी मिल जाते हैं, जो मिक्स कलर के सीड आपको मिल जाएंगे। अभी आप सूर्यमुखी के भी बीज लगा सकते हैं। इसके भी फूल बेहद खूबसूरत आते हैं और नारंगी या पीले रंग में आते हैं। और ये सनफ्लावर सीड हैं, इनको तो आप पहचानते ही होंगे। ये सुपर फूड भी कहलाते हैं, खाने में भी यूज़ होते हैं। इनके बीज हम थोड़ा ज़्यादा लगा रहे हैं। सूर्यमुखी के लिए गमला आपको वैरायटी को ध्यान में रखकर चुनना होगा। अगर आपने जैंट सूरजमुखी लगाया है तब तो आप इसको 10 से 12 इंच के नहीं 20 इंच के गमले में लगाइए या सीधे ज़मीन पर। और छोटी किस्म अगर आप लगा रहे हैं तो फिर आप इसको 10 से 12 इंच के गमले में लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें कलियां भी आने लगी हैं। हमने इसको बॉनी किस्म लगाया है, जो जनरली जो गार्डन में लगाई जाती है, खेती के लिए ये किस्म नहीं लगाई जाती है। आप अभी रेन लिली या बरसाती लिली भी लगा सकते हैं। एक तो इसमें बहुत सारे खूबसूरत रंगों की वैरायटी आ जाती है और दूसरा ये छोटे से छोटे गमले में भी चल जाता है। इसके बल्ब लगाए जाते हैं जो प्याज की तरह दिखते हैं, और इनको आप चाहें तो डिस्पोजेबल कप में भी लगा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फूल अगर आपको चाहिए तो बड़े आकार के गमले में इनके एक से ज़्यादा बल्ब आप लगा दीजिए। पानी इनको आपको रोजाना देना होगा। बरसात के पानी से इसको कोई नुकसान नहीं होगा अगर आप पॉट को वेल ड्रेन रखते हैं। आने वाले बरसात में इसमें रोजाना बहुत सारे फूल खिलेंगे जो देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं। आप चाहें तो इनको इंडोर भी रख सकते हैं, बस ऐसी जगह रखिए जहाँ 1 से 2 घंटे की धूप आ जाती हो। इसके अलावा अभी आप जून के महीने में रुएलिया या चटकनी भी लगा सकते हैं। इसके भी बीज आपको इजीली मिल जाएंगे और ये कटिंग से भी लगती है। इसमें भी रंगों की वैरायटी आपको आ जाएगी। नीले के अलावा गुलाबी और सफ़ेद रंग में भी इसके फूल खिलते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा धूप में भी खिलते हैं। इसको पानी नहीं देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और पानी अगर इसको मिले तो भी इसको कोई नुकसान नहीं होता है। मतलब आप ये एक्सेलेंट हीट टॉलरेंट तो है ही, बहुत ही ड्यूरेबल प्लांट है। अभी आप मीराबिलिस भी लगा सकते हैं, जिसे संझा फूल के नाम से जाना जाता है। इसमें रंगों की बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी। इसके बीज से इसको लगाया जा सकता है। इसके बीज बड़े गोल मिर्च या पपीते के बीजों जैसे दिखते हैं और ये बहुत इजी ग्रोइंग प्लांट होता है। इसमें यूजुअली शाम के 4 बजे फूल खिलते हैं, इसीलिए इसे 4 o'clock प्लांट भी कहा जाता है। ये एक अच्छा ऑप्शन है अभी के सीज़न में लगाने के लिए, और इसमें खुशबू भी हल्की होती है, इसलिए ये आपके गार्डन को खास लुक देगा। चूंकि अभी बरसात आएगा एक ही महीने के अंदर, इसीलिए आप अभी कैला लिली भी लगा सकते हैं।
ये बहुत खूबसूरत सा पौधा होता है, केली भी इसे बोला जाता है। पत्ते इसके केले के पत्तों जैसे दिखते हैं, लेकिन फ्लावरिंग इसमें बड़े आकार की आती है और फ्लावरिंग में अलग अलग कलर आपको मिल जाएंगे। बहुत खूबसूरत और खुशबूदार फ्लावरिंग होती है। इसको आप इंडोर आउटडोर कहीं भी लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा पौधा होता है। इसको बीज से लगाया जाता है या फिर इसके बल्ब से भी इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। केले की ही तरह इसकी भी कंद होती है जिससे इसको आप लगा सकते हैं। इसके बाद अगर कटिंग से लगने वाले फूलों की बात की जाए तो आप पोर्सलेन लगा सकते हैं। देखिए, पोर्सलेन और पोटुलाका में थोड़ा सा अंतर हो सकता है। पोर्सलेन में आपको कई रंगों के फूल मिलेंगे, लेकिन सारे फूल सिंगल लेयर पेटल में होंगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये इसके पत्ते एडिबल होते हैं और इसको लगाना बहुत आसान होता है। इसमें बीज आते हैं, बीज से भी इसका पौधा उगता है। और आप अगर चाहें तो इसको इसकी कटिंग से भी उगा सकते हैं। कटिंग से ये इजीली ग्रो होता है। 2 इंच से लेके 20 इंच तक जितने बड़े गमले में आपका लगाने का दिल हो आप इसको लगा सकते हैं। ये हैंगिंग पॉट में भी अच्छा चलता है। इसमें रोज़ाना फूल खिलते हैं और शाम तक मुरझा जाते हैं। पोर्सलिन की कटिंग लगाने के लिए आपको उसकी किसी भी ब्रांच को बस तोड़ना भर होता है। आप किसी गमले में जिसमें वेल्ड्रन मिट्टी हो थोड़ी सी जगह बनाएं, आप उंगली से भी प्लेस बना सकते हैं और वहाँ पे इसे लगाकर बस हल्के हाथों से दबा दें और अगले 1 हफ्ते के अंदर इसमें जड़ें आ जाएंगी। ये एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। अगर आपके आसपास कहीं ये पौधा है तो आप उसकी कटिंग अभी लगा सकते हैं। पोर्सलिन में फूलों के रंग में तो वैरायटी आपको मिल ही जाएगी, साथ ही इसके पौधे के पत्ते के रंगों में भी वैरायटी आपको मिल जाएगी। इसको वेरीगेटेड पोर्सलिन बोलते हैं। इसमें फ्लावरिंग कम होती है, लेकिन ग्राउंड कवर बनाने के लिए या हैंगिंग बास्केट के लिए ये बेहद शानदार होते हैं। आप इनको अभी लगा सकते हैं। आप बेबी सन रोज या एप्टेनिया कार्डिफोलिया भी लगा सकते हैं। ये भी बेसिकली एक तरह का सकलेंट है और ये बहुत आसानी से लगता है। धूप इसके लिए ज़रूरी है और इसको आप किसी भी आकार के गमले में लगा सकते हैं। अच्छा ग्राउंड कवर बनता है, हैंगिंग पॉट में भी लगा सकते हैं। इसमें छोटे छोटे फूल भी आते हैं जो बेहद शानदार दिखते हैं। आमतौर से ये फूल लाल रंग के या गहरे गुलाबी रंग के होते हैं। एप्टेनिया में फूलों के रंग में तो नहीं, लेकिन इसके पत्तों के रंग में आपको वेरिएशन मिल जाएगा, जिसे वेरीगेटेड एप्टेनिया बोला जाता है। और ये आपके घर के लिए, आंगन के लिए बहुत खूबसूरत सा ऑप्शन होगा। कटिंग अभी आप कोलियस की भी लगा सकते हैं। ये भी छोटे और बड़े दोनों ही आकार के गमले में चल जाता है। इसमें फ्लावरिंग भी अच्छी होती है, बीजों से भी ये उगता है और ये कटिंग से भी बहुत आसानी से लगता है। इसके बहुत सारे अट्रैक्टिव कलर्स आते हैं। आपके पास जितने भी रंग उपलब्ध हैं आप सबकी दो दो तीन तीन कटिंग जरूर लगा लीजिए, बहुत खूबसूरत लगेगा आपके यहाँ। आप चाहें तो वडेलिया भी लगा सकते हैं। यह भी खुशियाँ लाने वाला पौधा होता है। इसमें छोटे पीले फूल खिलते हैं और ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है। इसकी कटिंग लगाई जाती है, हालांकि ये बीज से भी उग जाता है पर कटिंग लगाना ज़्यादा आसान होता है। ये एक्सेलेंट ग्राउंड कवर बनाता है और बरसात के दिनों में तो इसकी ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त होती है। और ये छुई मुई का पौधा है। आप इसको भी अभी बीजों से बहुत आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि इसके गर्मी में काफ़ी सारे फूल खिलते हैं तो उसके बाद सीड फॉर्म होता है, तो उन बीजों की अभी अवेलेबिलिटी रहेगी। फ्रेश सीड आपको मार्केट में ईजिली मिल जाएंगे, उनसे आप इसको लगा सकते हैं। ये बहुत ही अनूठा पौधा है, जिसको छूते हैं तो इसकी पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं, शर्मा जाती हैं। मैं आपको इनके बीज भी दिखा देती हूँ। इनके बीज गहरे भूरे रंग के छोटे छोटे से होते हैं। इनमें फ्लावरिंग होती है पिंक कलर की और फूलों के खिलने के बाद बीज आते हैं।